हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा 100वें भाग 100th के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। बन्नी आज बड़बोले चाचा की दुकान पर उनकी मदद करने आया है। बब्बन अपने गमछे के लिए चाचा से कपड़ा खरीदने आया है। उसने चाचा से 2.5 मीटर लंबा कपड़ा मांगा। चाचा ने बन्नी से 2.5 मीटर लंबा कपड़ा काटकर बब्बन को देने को कहा। बन्नी ने नाप के फीते से कपड़ा नापा और बब्बन को दे दिया। बब्बन ने चाचा को कपड़े के पैसे दे दिए और अपने घर लौट गया। घर लौटकर जब बब्बन ने वो कपड़ा अपने नाप के फीते से नापा तो उसने पाया कि कपड़े की लंबाई 2.05 मीटर है। वो तुरंत चाचा की दुकान पर पहुंच गया। जब उसने चाचा को ये बात बताई, चाचा ने एक बार फिर उस कपड़े को अपने नाप के फीते से नापा और पाया कि बब्बन की बात सही थी। कपड़े की लंबाई वास्तव में 2.05 मीटर थी। उन्होंने बन्नी से इस बारे में पूछा। लेकिन चाचा, 2.05 मीटर और 2.5 मीटर तो एक बराबर ही होता है ना? बन्नी ने चाचा से कहा। देखो बन्नी बेटा, 2.05 मीटर में दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाद 0.5 या 1 मीटर का 500th भाग है और 1 मीटर का 500th भाग कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 5 सेंटीमीटर के, बन्नी ने झट से उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक। इस तरह 2.05 मीटर 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ठीक इसी तरह 2.5 मीटर में दशमलव के बाद 5 की संख्या या 1 मीटर का 5/10 5/10 भाग है। 1 मीटर का 1/10 1/10 भाग 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए 1 मीटर का 5/10 5/10 भाग 10×5 या 50 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस तरह 2.5 मीटर 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर के बराबर है। चाचा ने बन्नी को समझाया। अच्छा, अब मैं समझ गया चाचा कि 2.05 मीटर और 2.5 मीटर बराबर नहीं है और मैंने गलती से बब्बन को गलत लंबाई का कपड़ा दे दिया, बन्नी ने चाचा से कहा। बन्नी ने तुरंत बब्बन से वो कपड़ा वापस लेकर उसे नाप के फीते से इस बार 2.5 मीटर या 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर का कपड़ा काट कर दे दिया। बब्बन खुशी खुशी सही नाप का कपड़ा लेकर अपने घर लौट गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने 100वें भाग 100th से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं के बारे में जाना।